वंदे भारत ट्रेन का रैक पहुंचा भोपाल, रानी कमलापति से 7 घंटे 45 मिनट में पहुंचाएगी दिल्ली, जानिए सब कुछ। मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन का रैक भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर पहुंच गया है। यह ट्रेन कमलापति से शुरू होकर नई दिल्ली तक जाएगी। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसको लेकर रानी कमलापति स्टेशन पर तैयारियां चल रही हैं। आपको बता दें कि ट्रेन की नियमित सेवाएं 3 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी। पश्चिम मध्य रेलवे के अधिकारियों ने इसके लिए जरूरी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। इससे पहले यह ट्रेन 2 अप्रैल को रानी कमलापति स्टेशन से सुबह 5:55 पर चलेगी और दोपहर 1:45 पर नई दिल्ली पहुंचेगी। इसके बाद नई दिल्ली से दोपहर 2:45 पर ट्रेन चलेगी और रात 10:35 पर रानी कमलापति स्टेशन पहुंच जाएगी। ट्रेन के रूट में आगरा भी पड़ेगा, जहां से 5 मिनट के लिए रुकेगी। आपको बता दें कि यह ट्रेन 708 किलोमीटर का सफर महज 7 घंटे 45 मिनट में पूरा कर लेगी। आपको बताते चले कि वंदे भारत ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस से भी तेज गति से चलेगी। इस ट्रेन का अलग अलग चरणों में ट्रायल होगा। वंदे भारत की रैक मिलने के बाद DRM सौरभ बंदोपाध्याय ने ट्रेन का पूरा निरीक्षण किया। वंदे भारत की रैक मिलने के बाद DRM सौरभ बंदोपाध्याय ने ट्रेन का पूरा निरीक्षण किया। वंदे भारत ट्रेन में 16 कोच है, 14 AC चेयर और 2 एग्जीक्यूटिव क्लास कोच है। इसमें 1128 सीटें यात्रियों के लिए उपलब्ध कराई गई है। यात्रियों को ब्रेकफास्ट के साथ साथ लंच की भी सुविधा दी जाएगी। ये ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी। शनिवार को इस रूट पर ट्रेन नहीं चलेगी। सुरक्षा के लिए ट्रेन के कोच में CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। आपको बता दें कि कोच में इंटरनेट की भी सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे यात्री मोबाइल का आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे।